जिस पे ये आरोप लगता था कि वो राजा का बेटा है जिस पे आरोप ये लगता था कि मुंह में चांदी और सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है उस तेजस्वी यादव ने ये दिखा दिया कि वो जो कर सकता है वो आप और हम नहीं कर सकते बिहार में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे उंगली पे गिन लीजिए तो दसों उंगलियां कम पड़ जाएंगी बिहार में कितने हेल्थ मिनिस्टर होंगे उंगली पे गिन लीजिए और भाजपा वाले ये वीडियो आपके लिए है और खासकर उन लोगों के लिए जो तेजस्वी पे सवाल उठाते थे तेजस्वी कल रात देर रात लगभग एक से दो बजे रैन बसेरा और सड़क किनारे सोए हुए लोगों के पास पहुंचते हैं वो लड़का जिसके घर में सोने की कोई चीज की कमी ना होगी हम इस ठंड में कंबल से निकलना नहीं चाहते जिस लड़के के घर में जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है वो लड़का अपना घर परिवार छोड़कर रात में एक बजे ज्यादा ताम लेकर नहीं, नहीं फोर्स पूरा लेकर सिर्फ दो गाड़ियां लेकर निकलता है है और पटना की सड़कों पे पहुंचता है और गरीबों को कंबल देता है यह नहीं कि भाई उठा के दे रहा है सोया वा गरीब को उस पे कंबल उड़ा दे रहा है ये सबक है उन हेल्थ के लिए के सड़कों पर गरीब कैसे सोता है पटना के रैन बसेरा में क्या हाल है आज सवाल उन सारे उप मुख्यमंत्रियों से उन सारे से, जो कभी गए हो तो बता दीजिए गा मेरी उम्र जितनी है और जब तक याददाश्त है नहीं देखा साहब आप लोग को अपने घर से निकलते हुए अपने घर के पड़ोस में जो गरीब सोया हुआ होता है आपके गार्ड उसको हटा देते हैं छोड़ दीजिए दूर की बात छोड़ दीजिए गांधी मैदान पीएमसीएच और एन की बात कि आपका कोई एक पीए तक आया हो आप हेल्थ मिनिस्टर में भौकाल काटे रहते थे और ये तेजस्वी यादव बिहार बदल देगा ये तेजस्वी यादव वो तेजस्वी नहीं जिसको आप कहते हैं कि नौवीं पास या दसवीं फेल जो भी कह लीजिए अगर डिग्री से इंसान बनता और डिग्री से काबिलियत आती तो सबसे ज्यादा डिग्री आप लोग लेके बैठे थे काहे ना कुछ काबिल वाला काम कर दिए काहे ना बिहार को बदल दिए और काहे

गंबल उड़ा देता है जो सोए रहते हैं जो जागा रहता है उनको देकर आ जाता है ये आदाव तो भाजपा वाले बड़ा गला फाड़ के चिल्लाते हैं ना डिग्री पूछते हैं आपके पास है जी इंसानियत की डिग्री आप लोग नजर आए थे कोरोना में पूरा मास्क पहन पे घर के सोए रहते थे एक बार दिखे आज यही तेजस्वी यादव जब पी जाता है तो आप लोग कहते हैं कि सब फोटोबाजी है तो कहा ना आप भी ऐसे ही फोटोबाजी कर लेते अब तो विपक्ष में मगर सरकार सड़क पर निकलने में डर लगता है आप लोगों को कि रात में दो बजे नहीं

तो सीखे आप जी नेताजी लोग विधायक और मंत्री लोग और बड़का बड़का लाइन विधानसभा में बोलने वाले लोग सीखिए जरा और समझिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहा है तेजस्वी यादव बिहार बदलने आया है और वो बिहार बदल देगा जनता को क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे धन्यवाद